ये रुक क्यों गए? उसके हाथों को बांधना है, जाओ उसकी मदद करो, जाओ जाओ। ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हकीम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूं ये सब क्या है? पर्यटो मैंने क्यों बांधा? एक तरफ हो जाओ पर्यटो, आजाद कर दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं कर रहा, जान हो जाओ, सब बुरा सलूक करो, छोड़ दो मुझे। तुम कैसे काफला सलाम? हमने तुम्हें मुंह मांगा किराए पे, इस हकीम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हकीम? किस हकीम की बात कर रहे हो? हकीम बोली सीना की, शेख रईस हुज्जतुल हक बोली सीना, अब मैं उनका शागिर्द चौधरी जानी। तुमने चलते वक्त तुमने कहा था कि ये हकीम है? अब जो तुम्हें बता रहा हूं मैं जानता था और अब मुझे यकीन हो गया है, हम इसे यहाँ तक बहुत एजाज और एहतराम के साथ लाए, लेकिन ये शागिर्द हकीम अब हम रे के नजदीक है, मैं इसे हुकूमत ईरान के हवाले कर दूंगा। मैंने अपना एक सवार रे भेज दिया है। तुमने किस लिए सवार भेजा? क्या हुआ? मैंने पैगाम भेजा है कि शेख रईस हमारे पास है, अब तक ये खबर रे पहुंच चुकी है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमने इसे घोड़े पर आराम के साथ बिठाया है, ये हमें खूब मिला। औरंग, ये खातिर मदारत किस लिए? खातिर मदारत? कौन सी खातिर मदारत? मैं एक सौदागर और सौदे का मुनाफा 700 दीनार है, 700 दीनार। तुम पर लानत, लानत हो तुम पर, मैंने तुम्हें काबिल एतमाद शख्स समझा। जाओ से जानी पुरसकून रहो, इस पर लानत ना भेजो, 700 दीनार बड़ी रकम है। अगर इतनी रकम मुझे मिल जाती तो मैं अपने आप को उनके हवाले कर देता, लेकिन किसी ने मेरे साथ इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं की। मैंने इस तस्वीर को निसा के शहर के बड़े कोतवाल से खरीदा है, 10 दीनार में। कहते हैं कि इस तस्वीर को सुल्ताने तुर्क के हुक्म से चीन के मुसव्विरों ने बनाया है, लगता है ये तुम्हारी सूरत से मुताबिकत रखती है। मैंने बड़े कोतवाल से अपने कानों से सुना था कि इनाम 700 दीनार है, 700 दीनार सब के सब सोने के। देखो देखो, ये तस्वीर बिल्कुल तुम जैसी है। हाँ, गोया मेरी तस्वीर है। मैंने तुम्हें बड़े कोतवाल के सामने पेश नहीं किया इसलिए कि वो शराबी आदमी है और मुझे लगता था कि वो अपने कौलो करार का पक्का नहीं होगा। मेरा कासिद रे के शहर में गया है ताकि तुझे 700 दीनार में बेच दे और पेश की रकम भी हासिल कर ले। चीनी मुसव्विरों ने तुम्हारे बारे में सुन सुनाकर कितनी उम्दा तस्वीर बनाई है। ये तस्वीर बिल्कुल तुम्हारे सामने आईने की तरह है, बिल्कुल सही तस्वीर है। इसे चीनी मुसव्विरों ने नहीं बनाया, इसे अबू नसर इराकी ने बनाया है जो एक साहिब कमाल मुसव्विर है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा सही नहीं है कि मैं जिंदा हूं और कह रहा हूं कि बुअली सीना मैं हूं। मेरा सारा खौफ यह था कि तुम रास्ते में कहीं बीमार हो जाओ या मर ना जाओ और यूं मेरे 700 दीनार मारे ना जाएं। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब इस बड़े शहर में बड़ी आसानी के साथ 700 दीनार हासिल कर लूंगा। सुना है तुम हिसाब के माहिर हो।
इस सौदे में मुझे 690 दीनार का फायदा होगा। हरम जो एक सौदागर है, आज के बाद उसका नाम भी मशहूर हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे डर है कि निसा के बड़े कोतवाल ने भी तुम्हें धोखा दिया। यानी तुम्हारी कीमत इससे भी ज्यादा है और उसने कम कही? तुम बहुत खुदपरस्त हो। तुम जानते हो कि तुर्कों के पास बेशुमार दौलत है और वो नहीं जानते कि उसे कैसे खर्च करें। सुना है कि उन्होंने हकीम मंसूर तुसी के लिए 3 ऊंटों पर लदा सोना दिया है। 3 ऊंटों पर लदा सोना? ये मंसूर तुसी कौन है? एक गुमनाम शायर। मैंने उसका नाम नहीं सुना। मुझे पता है, लेकिन शेख उल रईस सुज्जतुल हक भू अली सीना का नाम सबने सुना है। जब एक गुमनाम शायर के बदले 3 ऊंटों पर लदा हुआ सोना देते हैं तो अंदाजा लगाओ कि अगर तुम वाकई असली भू अली सीना हुए, जो के हो, जो के तुम बेशक हो। मैं सोच रहा हूं कि निसा का कोतवाल तो तुमसे भी बड़ा सौदागर था। तुम्हारा मकसद यह है कि वो चाहता था कि अर्जा खरीदे और खुद महंगा बेचे? क्या वो बहुत ज्यादा लालची नहीं था? हाँ, वो सचमुच ऐसा ही था। वो बिल्कुल ऐसा ही था। उसकी आंखें तेज और छोटी थी, उसके दांत बड़े और लंबे थे, उसकी ठोड़ी कुशादा और पेशानी तंग थी। जब वो बोलता था तो उसका मुंह ज्यादा खुल जाता था, और जब ना बोलता था तब भी उसका मुंह खुले का खुला रहता था। आए, आए, अब मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी सही कीमत जानता तो मैं अपना आदमी हरगिज रे ना भेजता। मैं तुम्हें 700 दीनार में नहीं बेचूंगा। 700 दीनार में नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। 3 ऊंटों का सोना नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। ओहो, ओहो, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। ओ खुदाया, ओ अपने बंदे की मदद कर। हाय हाय, हाय हाय, हम अंग्रेज नहीं जाएंगे, हम गुरगान, गुरकांद और फिर वहां से बुखारा जाएंगे। मैं खुद महमूद से सौदा करूंगा। मैं फौरन हूँ, जिसके पास दुनिया का सबसे कीमती और नया बोध है। बैठो, 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 बैठो। तुमने ये फैसला करने में कुछ देर कर दी। क्या मतलब? अब तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। घोड़ों की टापों की सदा आ रही है और लोगों की आवाजें भी। ये आवाज सहरा की तेज हवा के सिवा कुछ नहीं। बैठो, बैठो, बैठो। अब देखिए मुकद्दर में क्या लिखा है। चलो चलो, फौरन यहां से रवाना हो जाए। चलो, सामान सारा बांध लो, thank you।
امیر، اے امیر مجد الدولہ، شیخ الرئیس بو علی سینہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ خبر جھوٹی تھی، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس جھوٹی اور غلط خبر کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ سلام ہو شیخ الرئیس، شرف الملک، حجت الحق بو علی سینہ پر۔ خوش آمدید کہتے ہوئے امیر مجد الدولہ کی طرف سے، جو آل بویا کے خاندان کے امیر فخر الدولہ کے بیٹے اور ریے کے امیر اور والی سلطنت ہیں، امیر خداوند منان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شیخ الرئیس سلامتی کے ساتھ ریا پہنچے ہیں اور سلطان ترک کے اسیر نہیں ہوئے۔ مر گیا، اسے کوئی بیماری اور عارضہ نہ تھا سوائے حرص اور طمع کے جو اس کی ہلاکت کا باعث بنی۔ خالی خالی نہیں رہے گا، ایک عمر ہو گئی کہ ہم سائے کی طرح بو علی سینہ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور جس شہر یا ملک میں وہ پہنچا ہم اس سے پہلے وہاں پہنچے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں سلطان سے عرض کروں کہ مجھے اس فرض سے معاف کر دیں؟ میں نے بارہا سلطان سے عرض کی،
بو علی سلطان معظم کے لیے اسی طرح ہے جس طرح سیاوش افراسیاب کے لیے تھا، وہ اسے نہیں چھوڑتے اور اس وقت تک طلب کرتے رہیں گے جب تک وہ انہیں مل نہیں جاتا۔ جب وہ اسے پالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے ذبح کریں گے؟ بس وہ کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا امیر مجد الدولہ تاکہ ہم اس سے بو علی کو طلب کریں؟ حوصلہ رکھو، سلطان ترک سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں اسے نزدیک سے دیکھوں۔ امیر کی بات کر رہے ہو؟ بو علی سینہ کی۔ بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ امیر مجد الدولے ایک بچہ ہے، کیا اسے بھی کورنش بجا لائیں؟ اسے نہیں، تخت کو۔ بس وہ کیوں نہیں آیا؟ بیتاب ہو گئے۔ معلوم ہے کہ وہ بو علی کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، کچھ اور نہیں۔ قسم کھاؤ کہ تم سلطان سے ضرور بات کرو گے۔ قسم نہیں کھاتا۔ امیر مجد الدولہ کو سلام۔ تم قاصدوں پر سلام، تم بزرگوں پر جو غزنی سے آئے ہیں۔ سلام ہو امیر مجد الدولہ کو اور حکیم بو علی سینہ کو۔ وعلیکم السلام۔ یہ بالکل وہی ہے جس کی تصویر دیکھی تھی۔ گویا تم اس لیے آئے ہو کہ حکیم بو علی سینہ کو اپنے ساتھ سلطان غزنوی کے دربار کے لیے غزنی لے جاؤ۔ جی ہاں، اگر آپ انہیں ہمیں عطا کر دیں۔ جی ہاں، ہم امیر کو سلام کہنے اور بو علی کو دربار غزنی کی دعوت دینے آئے۔ تو پھر تم انہیں دعوت دو۔ اس سے پہلے جب آپ کو دیکھنے کی سعادت ملی تھی، آپ درختوں کی شاخوں پر تھے۔ ہاں ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اب تقدیر مجھے امیر مجد الدولہ کے دربار میں لے آئی ہے۔
क्या अब भी तुम्हारा सुल्तान मुझे कबूल कर लेगा? जी हाँ, अभी तक हमारा फर्ज पूरा नहीं हुआ। ऐ शेख, बेहतर होगा कि आप खुद सुल्तान के दरबार में आ जाएं। अफसोस, मैं अब जिस रास्ते पर आ गया हूँ वापस नहीं जाऊंगा। हम इस फर्ज की अदायगी में बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं जाना चाहता। रे की मलिका और अमीर मजदूद दौला की वालिदा सैयदा मलिक खातून की उम्र दराज हो। सुल्तान मुअज्जम, सुल्तान तुर्क ने हम कासिदों को आले बुइया और रे की सरजमीन की तरफ भेजा है, सलाम और आदाब के साथ। के लिए है? वाली रे अमीर मजदूद दौला के लिए, सुल्तान तुर्क की तरफ से। तुमने तोहफा पेश करने के लिए हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की? मैं एक उम्र तक सुल्तान मुअज्जम महमूद सुल्तान तुर्क की खिदमत में रहा हूं। मैं एक नासमझ नौजवान नहीं हूं कि ये न जानूं कि अमीर अभी कम सिन है और उमूर हुकूमत मलका रे के हाथ से अंजाम पाते हैं। सुल्तान ने दो सवाल भेजे हैं कि उनमें से हर एक का जवाब मलका रे के अलावा किसी और से मुनासिब नहीं। तुम्हारे सुल्तान ने आले बुइया से दो चीजें तलब की हैं। मैं पहली चीज के बारे में तो कोई बात करना पसंद नहीं करूंगी। शेखुर रईस, वो अली सीना ऐसी चीज नहीं कि तुम्हारा सुल्तान उन्हें आले बुइया से तलब करे। हकीम अगर खुद बेहतर समझते हो तो तुम्हारे साथ चले जाएं। लेकिन वो तो एक मुद्दत से हमारे साथ नहीं जा रहे। मेरे लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अगर हकीम इरादा करें और हम पर एहसान करें तो तमाम उम्र रे में रह सकते हैं। मजदूर दौला भी उनकी मौजूदगी को गनीमत समझेगा। और दूसरी बात के सिलसिले में ये कि अगर सुल्तान महमूद बगदाद जाने के लिए रे से गुजरना चाहते हैं तो हम रे से गुजरते वक्त उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, और शर्त ये कि वो उस वक्त अपने साथ सिर्फ 500 सिपाही रखेंगे, एक भी ज्यादा नहीं। सुल्तान जब शिकार पर जाते हैं तो इससे ज्यादा कमांडर अपने साथ लेकर जाते हैं।
तुम में से किस एक से बात करूं? आप मुझसे बात कीजिए बानो। रे शिकारगाह नहीं है। क्या ये फैसला है कि रास्ता सुल्तान मुअज्जम सुल्तान तुर्क के लिए बंद कर दिया जाए? क्या ये वो बातें हैं जो सुल्तान की खिदमत में अर्ज कर दी जाए? हाँ, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। अपने सुल्तान से कह देना कि वो कभी भी सरजमीन रे को अपनी सल्तनत में शामिल करने का इरादा न करे। जब सुल्तान तुर्क इरादा फरमा लेंगे तो अपने सिपाहियों के साथ रे में दाखिल हो जाएंगे। तुम में से किस एक से बात करूं? आप इससे बात कीजिए। जैसे भी बानो और अमीर मजदूर दौला बेहतर समझते हैं। तो फिर खूब गौर से सुनो। ये पैगाम अमीर मजदूर दौला की वालिदा सैयदा फलक खातून की तरफ से है सुल्तान तुर्क के लिए। महमूद, अगर तुमने रे को फतह करने का इरादा कर लिया है तो आने वाली नस्लों के लिए ये बात लिखी जाएगी कि सुल्तान महमूद एक बच्चे और उस बच्चे की माँ के साथ नबूत आजमा हुआ। मैं ये नहीं जानती कि उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसने शिकस्त खाई या फतह हासिल की। इन सब बातों को अपने सुल्तान तक पहुंचा दो। लेकिन बानो, हमारे सुल्तान जंग का इरादा नहीं रखते, वो सिर्फ गुजरने का इरादा रखते हैं। वो 500 सिपाहियों की हमराही से ज्यादा गुजरने का हक नहीं रखता। आपने कैसे समझ लिया कि वो जंग का इरादा रखते हैं? दरिंदों की खून रेजी मकसद शोर के ताबे नहीं होती। हम पर अफसोस, आपने हमारे सुल्तान को दरिंदा कहा। बस चांद हार के शुरू में जंग के लिए आप पहुंचेंगे, बशर्ते कि महमूद एक औरत से जंग करना पसंद करे। वो ऐसा नहीं चाहेंगे। मैं अब एक और दरखास्त करता हूं। अगर किसी दिन बानो अपने कहे पर पशिमान हो तो शेख उर्रईस हकीम बू अली सीना को सुल्तान मौज़म के दरबार में भिजवा दें, तजदीद अहद और दोस्ती के लिए। मेरी इल्तवास यह है कि बानो मेरी बातों को अहमियत दे। याद रखूंगी। एहसान होगा। एहसान होगा। आफ्ताब से पहले रे को छोड़ देना। ठहरो, महमूद का तोहफा उसके लिए साथ ले जाओ। ले आओ।